119,000 की लूट करने वाले 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट का सामान बरामद कर पुलिस ने भेजा जेल। एसपी ने किया खुलासा। शहर में लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली शहर इलाके के धन्नुपुरवा में 17 मार्च की रात स्कूटी सवार 3 लुटेरों ने किराना व्यापारी विवेक गुप्ता से 119,000 रुपए नगद व अन्य सामान लूट लिया। वारदात के बाद से पुलिस सक्रिय थी। कोतवाली इंस्पेक्टर दीपक शुक्ला ने एसओजी व स्वाट टीम की मदद से आज तीनों लुटेरों को साड़ी रोड से गिरफ्तार कर लिया। इन लुटेरों की पहचान रतिभान गुप्ता व अरविंद कुमार निवासी धन्नुपुरवा व इखलाक हुसैन निवासी चांद बेहटा थाना कोतवाली शहर के रूप में की गई, जिनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस व 2 कारतूस के खोके और लूट में प्रयुक्त की गई स्कूटी भी बरामद की गई। तलाशी में पुलिस ने लूटे हुए 119,000 रुपए भी स्कूटी की डिग्गी से बरामद किए। दिनांक 17/3/22 को कोतवाली शहर में होलिका दहन की रात को लगभग 11 बजे स्थानीय व्यापारी श्री विवेक गुप्ता से 3 युवकों ने लूट की थी। उस समय धनराशि वो नहीं ज्ञात कर पाए थे। लूट करके लोग स्कूटी से भाग गए थे। इसमें गहन विवेचना करके और कई टीमें लगा करके आज 24/3 को 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इखलाक, प्रतिभान और अरविंद हैं। ये पढ़ने वाले लड़के हैं और इनके द्वारा कबूल किया गया है कि अपने शौक पूरा करने के लिए इन्होंने 168,000 रुपये छीने थे, जिसमें से 120,000 बरामद हो गए। वह इनके द्वारा गिरफ्तारी के समय पुलिस से मुठभेड़ की गई, जिसमें 3 तमंचे भी और कारतूस बरामद हुए हैं। सर, इनका क्या आपराधिक इतिहास? इनका कोई अभी तक आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है, किंतु इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि लगभग 9 महीने पहले थाना शाहबाद में एक लूट की गई थी, जो इनके द्वारा एक अन्य साथी के साथ मिलकर की गई थी, जिसमें 120,000 रुपये और एक टैब इनके द्वारा छीना गया था, जिसकी पड़ताल की जा रही है।